सर आपने स्टडी कितना किया हुआ है? बीकॉम। बीकॉम कंप्लीट है? और बीकॉम करने के बाद आपने कोई जॉब किया या फिर डायरेक्ट यही स्टार्ट किया? टेक्सटाइल में था पहले। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल स्टफ रेडी किया है उसके अंदर कटिंग करने के बाद। यहाँ पर फ्रेश प्याज कटिंग किया जा रहा है और इसके अंदर फाइनली से चॉप किया जाएगा। अभी ये भाई का सिंपल मेयोनीज बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, घुमक्कड़ फूड इंडिया जो आपको लेके आ चुका है सूरत के सुदामा चौक में मोटा वराछा। और गाइस, बारिश का सीजन है, देखिए बारिश चालू है और हम लोग भी भाई बारिश में रुकने वाले कहाँ है, क्योंकि खाने वाले कभी रुकते नहीं है ना। तो आज हम लोग भी आपको लेके आ चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह जहाँ पे एकदम यूनिक चीज आपको मैं आज ट्राई करवाने वाला हूँ। पहले तो आप नाम पढ़ लीजिए, क्या नाम है? मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई। तो चलिए सर से मिलते हैं। सर क्या नाम है आपका? और आपके ब्रांड का क्या नाम है? बहुत ही मतलब यूनिक है। क्या नाम है? टमटमाट। और एक चीज आप मुझे बता रहे थे, आगे से या पीछे से पढ़ो सेम रहता है? सेम रहता है, आगे से पढ़ाई करो पीछे से। तो गाइस देखिए, आप आगे से पढ़ लो भाई टमटमाट, पीछे से पढ़ लो, सेम चीज होने वाली है। अच्छा, इसका मतलब बताइए। टेस्टी और तीखा। टेस्टी और तीखा। और ये स्पेशल सूरती नाम है क्या? गुजराती। अच्छा, तो देखिए सर के मेनू में बहुत सारी चीजें, बताइए ना कितनी कितनी चीजें आपके मेनू में। सिंपल है, डीप बेस है और चीज में है, चीज में फायर करके लेंगे वो मिनी पिज्जा टाइप बनेगा। अच्छा, तो हम लोग वही वाला ट्राई करते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए एक बनाइए सर। तो गाइज हम लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं नाचो डीप फ्लेवर फायर। और ये देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया मतलब ये बास्केट है जो वो रेडीमेड आता है कि आपके वहाँ नहीं आता है? बना हुआ आता है, स्पेशल बनाना पड़ता है ऑर्डर से भैया। अच्छा अच्छा, और ये क्या क्या आप डाल रहे हैं स्टफिंग वो बताते चाहिए। कैप्सिकम, गाजर और मक्खन। कैप्सिकम, गाजर और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आपने स्टडी कितना किया हुआ है? बीकॉम। बीकॉम कंप्लीट है? और बीकॉम करने के बाद आपने कोई जॉब किया या फिर डायरेक्ट यही स्टार्ट किया? टेक्सटाइल में था पहले। अच्छा, और ये कितने टाइम से आप कर रहे हैं? साढ़े पाँच साल। साढ़े पाँच साल हो गया। और टाइमिंग क्या है आपका? दोपहर को 1 बजे से रात को 8:30 बजे। अच्छा, और मेनू में टोटल कितनी आइटम है सर? 10-12 आइटम है। लेकिन ये चीज बहुत ही यूनिक लग रहा है मुझे, आपने ये कैसे सोचा कि ये चीज को यहाँ पर लाना चाहिए, इस रेसिपी को डेवलप करना चाहिए, क्या रीजन रहा, कैसे सोचा आपने? क्योंकि आपने बीकॉम किया, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, अचानक से फूड लाइन में आए और आपने इतना रेसिपी ला दिया, कैसे सोचा सर? बस एक दिमाग में था, यूनिक चीज लेना था। अच्छा अच्छा, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो सेटअप किया गया है ना भाई, वो एक्टिवा पर किया गया है। यानी आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिवा गाड़ी है, देख सकते हैं पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर एक्टिवा के ऊपर है। तो भाई यहाँ पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर करने वाला हो ना तो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। तो यहाँ पर सर ने भी वही चीज किया है, एक एक्टिवा थी वहां से इन्होंने अपना देखिए फूड स्टॉल रेडी किया और भाई इसे चला रहे हैं। तो सर ये जो हम लोग बना रहे थे इसमें क्या क्या ऐड हो चुका है? ये बीट कोकम का चटनी है। हाँ हाँ, फिर दाना डालने वाला चटनी है। हाँ हाँ, और ये डाला है वो पेरी पेरी डीप है। अच्छा, वो पेरी पेरी डीप है। इसका प्राइस कितना रहने वाला है जो फायर वाला आप बना रहे हैं? 55 रुपीज़। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी दिख रही है आपको उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस रखा गया है, अब टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे फाइनली आपको कि भाई कैसा लगा हमें। तो उसमें फायरिंग वगैरह भी किया जाएगा? हाँ। ओहो, क्या बात है।
ये क्या चीज़ है सर? ये मसाला सेव है। मसाला सेव है, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी टेंगी टाइप रहेगा, स्वीट और स्पाइसी रहेगा। अच्छा, स्वीट और स्पाइसी रहेगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि मतलब आप फूड काउंटर भी रेडी करवा सकते थे, फूड काउंटर भी लगा सकते थे, आपने एक्टिवा के ऊपर ये बनाने का मतलब कैसे सोचा और क्यों सोचा? अलग कॉन्सेप्ट लगा आपने? अलग कॉन्सेप्ट लगा मतलब क्या, कि मतलब इजीली सारा सामान लेके जा सके? हाँ, आ सके। अप डाउन में अच्छा हो, अप डाउन में अच्छा रहता, सारा कुछ इसी में आप ले आते हो? हाँ। और ये क्या है, मतलब गैस है पूरा? तो भाई देखिए, यहाँ पर अभी ये बारिश का मौसम, ऐसा फायरिंग वाला मतलब यहाँ पर बनने जा रहे हैं भाई। अच्छा, इसको हम लोग चैट में काउंट कर सकते हैं क्या, या फ्यूजन फूड में? चैट में लगा सकते, चैट में काउंट कर सकते हैं ना। तो भाई देखिए, चीज को बहुत ही बढ़िया से मेल्ट किया जा रहा है फायरिंग के साथ। ये कौन सा मसाला है सर? चाट मसाला। चाट मसाला है ना, ना रेड। और ये मुझे लगता है ओरिगानो चिली फ्लेक्स आप डाल रहे हैं। तो भाई पिज्जा टेस्ट भी आ जाएगा क्या इसमें? हाँ। तो गाइस, हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये मतलब जो है फ्यूजन फूड है। और आपने बिस्किट बेस्ड पिज्जा खाया होगा, आपने पूरी बेस्ड पिज्जा खाया होगा, आज बास्केट बेस्ड हम आपको खिला रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी प्लेट रेडी करवा ली है, अब इसे ट्राई करते और आपको बताते हैं भाई यहाँ पर टम टमाट में आकर के हमें कैसा फीलिंग आया, टम टमाट वाला आया। फाइनली फ्रेंड्स, हमने जो ऑर्डर किया था बन के आ चुका है हमारे पास, और हम लोग खड़े भाई टम टमाट। तो देखते हैं इसे खाने के बाद टम टमाट वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती है। वैसे गाइस, हो रही है बारिश, क्या मैंने इतनी मजा आएगा भाई। फायर की वजह से जो चीज़ है वो मेल्ट बहुत बढ़िया से हुआ है, उसका टेस्ट भी बहुत फ्रेश आ रहा है। जो बास्केट को इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत क्रंची डाल है, और जो इसके ऊपर से डाला गया सेव है ना भाई, वो बहुत चटपटा लग रहा है। एंड फाइनली मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि इसका बेस का टेस्ट पूरा पिज्ज़ा वाला आ रहा है, पर हाँ चटपटा आ रहा है, मज़ा आ जाएगा इसे खाने के बाद। और जब बारिश में आप खाओगे ना तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो इन्होंने नाम रखा है टम टमाट भाई, वो नाम यहाँ पर इन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि खाने के बाद जीभ एक ही चीज़ बोलती है, वंस मोर चटाकेदार। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।